ग्रेड वन प्लेस वैल्यू। तारा के अब्बू एक जनरल स्टोर पर काम करते हैं, जहां वो मुख्तलिफ चीजों को शेल्फ में सजा कर रखते हैं। मगर शेल्फ पर रखने से पहले वो सब सामान को काउंट करके उनकी तादाद को एक रजिस्टर में नोट करते हैं। तारा इस काम में उनकी मदद करती है। आज तारा के अब्बू लॉलीपॉप्स लाए हैं। मैं इनको कैसे गिनूं? ये ज्यादा हैं। तुम इनको 10 के ग्रुप्स में गिनो। हर कप में 10 लॉलीपॉप्स रखो। हर कप 110 के बराबर है। जो बच जाए यानी जो 10 से कम हो उन्हें स्ट्रे में रखो। ये हर लॉलीपॉप वंस होगा। तारा खुश हो गई। उसने 10 के ग्रुप में गिनते हुए लॉलीपॉप्स कप्स में रखे। जो बच गए उन्हें ट्रे में रखा। अब्बू ने उनकी तादाद रजिस्टर में लिख ली। 1 tens और 2 ones, 12। दूसरे दिन तारा के अब्बू कुछ पेंसिल्स लाए। तारा ने पहले की तरह टेंस के ग्रुप्स में पेंसिल्स को कप्स में रखा। जो बच गईं, उनको ट्रे में रखा। अब्बू ने उनकी तादाद भी लिख ली। 2 tens और 4 ones, यानी 24। फिर बारी आई रंग बरंगे स्केल्स की। तारा ने जल्दी जल्दी उनको टेंस के ग्रुप्स में अलग किया और कप्स में रख दिया। जो बच गए उनको ट्रे में रखा। टेंस और वंस को गिना और अब्बू ने रजिस्टर में लिख लिया। 2 tens और 9 ones, यानी 29। दोस्तों आप बताइए, What is the place value of each digit in number 42? यानि कौन सा डिजिट टेंस प्लेस पर है और कौन सा डिजिट वंस प्लेस पर? बिल्कुल ठीक, 4 की प्लेस वैल्यू है टेंस और 2 की प्लेस वैल्यू है वंस, 42। और ये है नंबर 97। 97 का कौन सा डिजिट टेंस प्लेस पर है और कौन सा डिजिट वंस प्लेस पर? बिल्कुल ठीक, 9 की प्लेस वैल्यू है टेंस और 7 की प्लेस वैल्यू है वंस, 97। इन नंबर्स को देखें और हर डिजिट की प्लेस वैल्यू बताएं।